हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन और नॉट ऑक्यूपेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ए सर्टेन एनर्जी लेवल। ओके, तो हम ये करने जा रहे हैं कि मान लीजिए एक एनर्जी लेवल दिया हुआ है आपको, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, और यहाँ पे कहीं पे आपका फर्मी लेवल है, ठीक है, ये फर्मी है। तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि मान लीजिए आप फर्मी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी की कितनी होती है इस लेवल तक होने की, तो वो होती है 50%, या ऐसे ही फर्मी लेवल को डिफाइन किया गया है। बट इफ द क्वेश्चन आस्क नॉट द प्रोबेबिलिटी एट फर्मी लेवल बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट, इफ इट आस्क दैट देयर इज सम अदर एनर्जी लेवल लाइक इन दिस केस एंड इट इज सेड दैट इट इज बिलो, राइट, इट इज बिलो फर्मी लेवल एंड दे ऑल्सो हैव गिवन यू वट इज द एनर्जी दैट इट इज बिलो द फर्मी लेवल। सो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, राइट, तो दिस इज द माई डिजायर्ड लेवल, आई एम जस्ट पुटिंग इट एज ई। तो मैं इसको ई से दिखा रहा हूँ, इस लेवल पे पूछ रहा है, इस ई पे बताइए कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रॉबिलिटी है कितनी, और एक्चुअली नहीं होने की कितनी प्रॉबिलिटी है, नॉट बींग ऑक्यूपाइड पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान रखिए। ओके, तो इसको कैसे करना है, तो पूछा क्या है कि तो मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हेयर, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी ई, राइट। तो फिर ये जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो आपको पता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, राइट, उसमें उस वन होती है, तो वन में से आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो नॉट ऑक्यूपाइड की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो इसको करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज द कलर। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी ई इन ए सेमीकंडक्टर? तो उसका फार्मूला है मेरा, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी ई इज गिवन एज एफ ऑफ ई एंड द फार्मूला इज 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के इंटू टी, ठीक है। के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, तो के है आपका और इसकी वैल्यू है आपकी, ये आपको याद रखनी चाहिए, 1.38 × 10²-23। तो इसका ऑर्डर जो है वो एक्चुअली में एवोगैड्रो नंबर के आसपास होता है। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, टेम्परेचर। अब इसने टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिया नहीं है, तो आपको रूम टेम्परेचर मानना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दी हो तो यू कैन टेक द रियल वर्ल्ड वैल्यूज। सो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर अगर आपका 27 डिग्री है तो ये 300 केल्विन पे आएगा। तो के हो गया, टी हो गया, व्हाट अबाउट ई माइनस ई एफ? ई माइनस ई एफ, E माइनस ई एफ इज एक्चुअली गिवन एज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, कैसे पता? कि आपका E जो है वो ई एफ से इतना नीचे है, तो एक्चुअली E माइनस ई एफ तो माइनस में आएगा, ठीक है। ओके, तो इसको मैं पहले तो जूल्स में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि तो मुझे जूल्स में चाहिए होगा, तो मैं करूँगा 0.01 × 1.6 × 10²-19, और अब ये जूल्स में है। ओके,
तो एफ ही निकालने को मैं तैयार हूँ कि फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी ई, अब मैं निकालने को तैयार हूँ, जो कि हो जाएगी 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल -0.01 × 1.6। तो ये तो कुछ ऐसा माइनस, ये आपका 1.6 है और ये दो जीरो और लगेंगे, तो ये -1.6 × 10⁻²⁰ हो जाएगा, राइट। दो जीरो और हटाने पड़ेंगे आपको, और अपॉन K×T, तो 1.38 × 10⁻², और उसमें T भी इंटू करना है 300। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। ओके, तो मुझे निकालना है, और मैं इसको ऐसे तो नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे एक्सेल को यूज़ करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। तो ओके, मैं इस क्वेश्चन को नीचे वाले को एक बार सॉल्व करता हूँ। Fe=1/, आप अपने कैलकुलेटर पर कर सकते हैं इसको, 1 प्लस, ये वैल्यू कितनी आने वाली है, मैं इसको निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू है इक्वल्स, मुझे लेना है एक्सेल में एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और वो नंबर मुझे डालना है, तो नंबर क्या है, -1.6 E − 21, राइट, और ये डिवाइड होगा 1.38 × 10⁻², और फिर ये टेम्परेचर से भी डिवाइड होगा, 300 से भी डिवाइड होगा, तो ये निकालना है मुझे। तो ये आ रहा है, ओके, इस वैल्यू 0.679, तो ये आया 0.679, ठीक है। अब मुझे करना है इसको 1 से प्लस, तो मैं लिखूँगा 1 प्लस वट एवर दिस वैल्यू इज, तो ये 1.679 हो गया, राइट। तो मेरा Fe 1/1.679 हो गया, तो ये Fe, चलिए देखते हैं कितना आता है, तो इसका मुझे इन्वर्स लेना है, तो मुझे 1/ करना है इसको, दिस वैल्यू, ये है 0.59, 0.59 आ रही वैल्यू। ओके, ये तो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.595 है। ओके, तो 595 है, तो आप इसको 0.59 बोलो या 0.6 बोलो। तो मुझे निकालना है नॉट बीइंग ऑक्यूपाइड, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बीइंग ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, तो ये होगी 1 − Fe, तो ये आ जाएगा 1 − 0.59, तो ये तो है आपका 41 हो जाएगा, 0.41, ठीक है। तो ये यानी कि प्रोबेबिलिटी है, 41% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको बैठा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मैं अपनी उम्मीद के पीछे चला गया हूँ। तो प्रोबेबिलिटी आपका आंसर आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है प्रोबेबिलिटी = 41%। ओके ओके, इसको समझ लीजिए ढंग से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्विस्टेड लिया है एग्जांपल, डायरेक्टली ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन को ना ढूंढें, आप ये भी समझें कि आपसे क्वेश्चन नॉट बीइंग ऑक्यूपाइड का भी पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।